नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद की थाना साहिबाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आभार नशा मुक्ति केंद्र के केयरटेकर साबित अली खान की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने 8 आरोपियों में से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सर, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या आरोप है उनके ऊपर? ये दिनांक 28 को सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि लाजपत नगर जो थाना साहिबाबाद क्षेत्र में एक एरिया है, वहां पर एक नशा मुक्ति केंद्र चलता है जिसका नाम आभार है। वहां पर उसके जो साबिर देखरेख करते थे उनका शव उनके कमरे में पड़ा हुआ है। इस पर पुलिस पहुंची थी मौके पर और छानबीन में यह प्रकाश में आया कि नशा मुक्ति केंद्र में जो ऑलरेडी नशा की मुक्ति के लिए जो मरीज एडमिट थे वो भी करीब 8 लोग गायब थे। जांची से और चीजें हम लोग जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो उसमें ये पता चला कि वो आठ जो मरीज वहां ऑलरेडी एडमिट थे उन्हीं के द्वारा साबिर की हत्या की गई थी। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया और उन 8 के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया। 8 की विरुद्ध 4 टीमें बनाई गई। 4 टीमों के द्वारा दिन रात मेहनत करके आज ये 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से सुदेश, दीपक, तरुण, शाहरुख और चांद, ये 5 गिरफ्तार किए गए हैं। 3 इनके जो और साथी हैं विशाल, जोगेंद्र और खेमचंद्र, ये अभी वांछित चल रहे हैं। इनके विरुद्ध हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास जारी है, शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने ये बताया कि जो आभार नशा मुक्ति केंद्र है वहां पर इन लोगों ने उनकी हत्या साबिर की इसलिए कर दी क्योंकि साबिर वहां पर बहुत कठोरता से पेश आते थे, महीनों इनके परिजनों से बात नहीं कराते थे। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि इनमें से काफी लोग नशे के जो आदि थे उनमें से नशे से मुक्त हो गए थे, उसके बावजूद इनको घर नहीं जाने दिया जा रहा था। इनकी ये भी शिकायत थी कि वहां पर खाने पीने की सुविधाएं बहुत ही निम्न स्तर की हुआ करती थी, इसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। हत्या करने के पश्चात ये लोग अपने अपने स्थान पर भाग गए थे। पुलिस के द्वारा अपना अथक प्रयास करके 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष गिरफ्तारी का प्रयास जारी। सर, गाजियाबाद में और जगह भी ऐसे ही नशा मुक्ति केंद्र है, क्या उनकी भी स्थिति ऐसी है, क्या उन पर कुछ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, ऐसी कोई शिकायत आती है हम लोगों के पास में तो निश्चित रूप से हम लोग उसकी जांच करेंगे और आवश्यक जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। सर, जो तीनों फरार हैं उनकी पूरी डिटेल है वहां आश्रम में, उसके बाद भी गिरफ्तारियों में कितना टाइम लगेगा? नहीं, बहुत जल्दी हम लोगों ने 48 घंटे के अंदर 5 और गिरफ्तार कर लिया। 3 की और गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। अपराधी अपराध करने के बाद घर पे नहीं रहता है, वो भाग जाता है। निश्चय ही हम लोग जल्दी से जल्दी शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। इन 5 को पहले भी आरोप है क्या, कुछ पहले भी अपराध करा हुआ?